नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? जय श्री राम, राधे राधे। कल ये सेशन नहीं हो पाया था, आज चर्चा करते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। और कल रात वाला सेशन भी नहीं कर पाए, मन नहीं कर रहा था, इसलिए कल नहीं किया रात वाला सेशन। कल जो है मेवाड़ का इतिहास आपका पूरा हो जाएगा, मेवाड़ का गुहिल वंश कल पूरा हो जाएगा। कल हम दो ही क्लास रखेंगे दिन में, आज तो पूरी क्लास है सारे के सारे। कल संडे है, वैसे तो संडे को क्लास रहती नहीं है, लेकिन कल दो क्लास रखेंगे। एक क्लास में तो अपन पूरा का पूरा मेवाड़ का इतिहास पूरा करेंगे, और दो टॉपिक जो आपको आपके शिक्षा मनोविज्ञान के बचे हुए हैं वो कल आपको जो है पूरे करवा देंगे। तो आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। कैसे हैं जितेंद्र जी आप? महेश जी स्वागत आपका, प्रमोद स्वागत आपका, मीनाक्षी यादव स्वागत आपका, कमलेश जी स्वागत आपका, कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र जी स्वागत आपका, जगदीश जी स्वागत आपका, साहिल कैसे हैं आप, लाभू राम जी और पिंकी जी धानी के थोड़े आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और हरिओम सिंह जी स्वागत आपका, कैसे हैं लाभू राम जी, हर हर महादेव, कैसे हैं आप? लास्ट सेशन में हमने जो है वो संग्राम सिंह तक कर लिया था, सॉरी बनवीर तक कर लिया था, ठीक है, कि बनवीर ने किस प्रकार जो है वो हत्या कर दी थी विक्रमादित्य की, और इसके बाद जो है वो उदय सिंह को जो है वो बचा के ले जाती है पन्नाध्याय, और कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है उदय सिंह को छुपा के रखती है। आइए आज इससे आगे बढ़ते हैं और आज चर्चा करेंगे। कल तक जितना हमने पढ़ा है उसकी हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी है, तो आप पीडीएफ से जो है नोट्स बना लीजिएगा। और आज हम उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे और कल इस पूरे मेवाड़ के इतिहास को पूरा कर देंगे। देखिए, अगर आप रीट का सिलेबस आपके पास है, अगर आपने प्रिंट करवा रखा है, तो आप उसमें चेक करिएगा, हमने ऑलमोस्ट जो है 60% प्लस कवर कर लिया है। और आज 12 बजे हम दुर्ग पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति में, और दो टॉपिक आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के बचे हैं जो कि चल रहे हैं कंटिन्यू, वो भी पूर्ण करवा देंगे जल्द ही। तो लगभग सिलेबस हमने जो है वो बिल्कुल पास पहुंच गए हैं सिलेबस पूर्ण करने के, ठीक है। इसके बाद आपका शैक्षिक परिदृश्य बचेगा, आरटीई बचेगा, और यही करंट अफेयर बचेगा। करंट अफेयर अपन जनवरी में पढ़ेंगे, पूरे साल का करंट अफेयर। अभी करंट अफेयर पढ़ने में ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप चाहो तो मोमल वगैरह की पुस्तक लेके आ सकते हो। मोमल की एक जो है वो मंथली पुस्तक आती है, वो ले सकते हो राजस्थान करंट अफेयर की, लेकिन पूरे साल का पढ़ना है तो जनवरी में पढ़ेंगे। जनवरी में पूरे साल का पढ़ लेंगे, लगभग 200 क्वेश्चन बनाएंगे हम पूरे साल के, जो मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन है उनमें से आ जाएंगे लगभग, ऐसा प्रयास करेंगे, बाकी देखते हैं कि क्या हो पाता है। तो करें शुरुआत आज के सेशन की। लिखिए उदय सिंह राजस्थान की, अरे ये डाल दी क्या, ये डाल दी, ये तो गलत डाल दी ना, ये सेशन तो कब है, ये सेशन तो आपका 12 बजे है, ठीक है। गुहिल वंश की हम चर्चा कर रहे हैं, तो गुहिल वंश को आगे लेके चलेंगे। आज 9वां सेशन है ये, और इतिहास का 9वां सेशन है। तो लिखिए गुहिल वंश के अंदर आप उदय सिंह को लिखिए। अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो वो पुराने सेशन जरूर देख लीजिएगा। उदय सिंह, राणा उदय सिंह भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 1537 में ये शासक बनते हैं, ठीक है, और 1537 से लेकर और 1572 तक ये जो है वो क्या रहते हैं, शासक बन के रहते हैं। उदय सिंह के ऊपर अकबर ने आक्रमण किया था, उस समय उदय सिंह जो है वो किन पर्वतों में जाके छुप गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। बहुत सारा लिखना पड़ता है, तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा तभी तो बहुत सारे नंबर आएंगे ना। लिखने से याद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में, लिखने से याद बहुत अच्छे से होते हैं,
बहुत आसानी से होते हैं, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अपना तो काम ही पढ़ना है, तो फिर पढ़ने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। जोर जख काम में जोर आओगे नहीं बे, में सफलता मिलने का चांस भी ज्यादा रहेगा। उदय सिंह जो है, इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इनके शासन काल में एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध। इससे पहले अगर लास्ट सेशन में आपको मैं लेके चलता हूं, तो वहां दासी पुत्र पृथ्वीराज जो थे, उड़ना राजकुमार राणा पृथ्वीराज, उन्होंने एक दासी के साथ जो है वो आपको पता है कि एक दासी जो पृथ्वीराज का पुत्र है, दासी का जिसका नाम बनवीर है, दासी पुत्र बनवीर ने क्या किया था, विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी और उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन उदय सिंह को पन्ना धाई बचा के ले जाती है। लेकिन बाद में जब पता चलता है बनवीर को, तो बनवीर फिर से प्रयत्न करता है किसको मारने का, उदय सिंह को मारने का। और यहाँ पर उदय सिंह भी बड़े हो चुके हैं, बनवीर तो बड़ा पहले से था ही। अब जो है वो 1540 में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसे मावली का युद्ध कहा जाता है। लिखिए मावली का युद्ध, मावली का युद्ध 1540 में हुआ। और जो यह युद्ध है, ये युद्ध जो है वो उदय सिंह व बनवीर के मध्य जो है वो युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो विजय होते हैं वो उदय सिंह हो जाते हैं, यानी उदय सिंह ने बनवीर की हत्या यहाँ पर कर दी। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये क्या करते हैं, इनका जो सबसे बड़ा शत्रु था वो कौन था, बनवीर ही था। बनवीर की इन्होंने हत्या कर दी, और इसके बाद 1559 में इन्होंने उदयपुर की जो है वो स्थापना की। तो दूसरा काम इन्होंने अपने शासन काल में उदयपुर की स्थापना की, उदयपुर की स्थापना 1559 में की। और क्या किया बताइए, कमेंट में लिखिए अगर आपको याद आ रहा है तो। इन्होंने जो है वो उदय सागर झील का निर्माण करवाया यहीं पर, ठीक है, उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। अब ये अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रहे थे, लगभग इनका एक ही शत्रु था, बाकी इधर उधर कोई ज्यादा शत्रु थे नहीं इनके। लेकिन इसी समय जो है इन पे अकबर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है 1567-68 में। अकबर का आक्रमण, क्या होता है, होता यह है कि अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, और यहां इस आक्रमण में क्या करते हैं, उदय सिंह जो है अकबर का सामना नहीं कर पाया, और उदय सिंह जो है वो हार के डर से पहले ही इस दुर्ग का, चित्तौड़गढ़ का, उदयपुर का जो कार्यभार है वो जयमल और पत्ता सिसोदिया को सौंप कर स्वयं गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, वहां पर जाकर शरण ले लेते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वहां पर जाकर छिप जाते हैं। जयमल और पत्ता सिसोदिया जो है वो कल्ला राठौड़ के साथ मिलकर, कल्ला राठौड़ लोक देवताओं में जब हम पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक लोक देवता होंगे आपके चार हाथों वाले लोक देवता, तो वो कल्ला राठौड़ थे। तो जयमल, पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़, ये तीनों मिलकर जो है अकबर के साथ बेहतरीन युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, और अकबर ने यहाँ पर युद्ध जीतने के बाद बहुत ही भयंकर कत्ले आम करवाया, और अकबर की सेना ने यहाँ पर मासूम बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को 30,000 लोगों की इन्होंने जो है वो क्या की थी, कत्ले आम किया था। कितने लोगों का, 30,000 लोगों का जो है वो
कत्लेआम युद्ध जीतने के बाद किया, जो कि अकबर के शासनकाल पर एक बहुत बड़ा जो है वो कलंक भी था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अरावली के जंगलों में चला गया। ठीक है, लिखिए क्या होता है युद्ध के अंदर, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। उदय सिंह दुर्ग का भार, भार यानी जिम्मेदारी, दुर्ग का भार जैमल व पत्ता सिसोदिया को सौंप कर, उदय सिंह लिखना था ना, उदय सिंह दुर्ग का भार जैमल व पत्ता सिसोदिया को सौंप कर स्वयं गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। जैमल और पत्ता सिसोदिया एवं कल्लाजी राठौर युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं। मेवाड़ का तीसरा शाखा ठीक है, तीसरा शाखा हो गया लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में, जो कि जैमल की पत्नी थी लाला मेवाड़ी, इनके नेतृत्व में जो है वो तीसरा शाखा जो है वो यहां पर होता है। ये युद्ध का दृश्य था। दो बातें और लिख लीजिए, अकबर ने युद्ध विजय के बाद मेवाड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया, यानी आम मासूम लोगों को जो है यहां पर मरवा दिया गया था। ठीक है, और वीर कल्ला जी आप सब जानते हैं, इस युद्ध में जैमल और पत्ता सिसोदिया जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने जैमल पर जिस बंदूक से गोली चलाई, उस बंदूक का क्या नाम था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या किया जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लिख दीजिएगा कि अकबर की बंदूक का नाम संग्राम था।
अकबर की बंदूक का नाम संग्राम था, इससे जयमल पर गोली चलाई थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अब जो है, अकबर ने जब यहां पर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया, तो अकबर के गुरु ने अकबर से कहा कि अकबर, ये तो आपने अच्छा नहीं किया, ये तो आपके ऊपर कलंक लग गया, तो इस कलंक को थोड़ा कम काला करने के लिए, यानी कलंक को थोड़ा धोने के लिए, तथा युद्ध में वीर गति से प्राप्त वीर गति को प्राप्त हुए जयमल और पत्ता सिसोदिया की बहादुरी से प्रभावित होकर अकबर ने क्या करवाया कि आगरा जो दुर्ग है उसके दरवाजे पर जयमल और पत्ता सिसोदिया की जो है वो हाथी पर सवार दो मूर्तियां बनाई। ठीक है, अकबर ने जयमल व पत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां बनवाई और आगरा दुर्ग के प्रवेश द्वार पर स्थापित। बाद में जब औरंगजेब शासक बना तो इन्होंने इन मूर्तियों को तुड़वाना चाहा, तो बीकानेर के जो शासक है वो उनको कहाँ लेके आ जाते हैं, जूनागढ़ लेके आ जाते हैं, और वर्तमान में ये मूर्तियां जूनागढ़ के अंदर जो है वो आपको प्रवेश द्वार पर देखने को मिलेगी। वर्तमान में ये मूर्तियां जूनागढ़ बीकानेर के प्रवेश द्वार पर है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है ये, जूनागढ़ के प्रवेश द्वार पर जो है वो लगी हुई है। इसके बाद जो है वो 1572 में जो है वो होली के दिन उदय सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, और इनकी छतरी भी कहाँ है, वो गुंदा में बनी हुई है। 1572 में होली के दिन उदय सिंह मृत्यु हो जाती। ठीक है, और इनकी जो छतरी है वो कहाँ बनाई गई है, इनकी जो छतरी बनाई गई है वो बनाई गई है कहाँ पर, इनकी जो छतरी बनाई गई है वो गोगुंदा में बनाई गई है। मृत्यु भी इनकी गोगुंदा में ही हुई थी। ठीक है ना, उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में, ये उदय सिंह का कार्यकाल जो है यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। उदय सिंह के बाद आपको पता है उदय सिंह के पुत्र शासक बनते हैं। सबसे पहले उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र, हालांकि बड़े पुत्र महाराणा प्रताप थे, लेकिन उदय सिंह जो थे अपनी छोटी रानी
के ज्यादा प्रभाव में थे, इसीलिए अपने छोटे पुत्र जगमाल को इन्होंने क्या बना दिया, शासक बना दिया। हालांकि परंपरा के अनुसार महाराणा प्रताप बनने चाहिए थे, लेकिन अपनी छोटी रानी, क्या नाम था छोटी रानी का कमेंट करके बताओ, अपनी छोटी रानी के प्यार के वश में आकर इन्होंने अपने छोटे पुत्र को जो है वो शासक बना दिया। इससे जो मेवाड़ के सामंत वगैरह थे वो क्या हो गए थे, नाराज हो गए, और बाद में जो है वो महाराणा प्रताप को ही अपना शासक बना लिया। ठीक है, तो लिखिए महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक, महाराणा प्रताप 1572 से लेकर और 1597 तक मात्र 25 साल ही इन्होंने शासन किया। दुख पाए महाराणा प्रताप को अगर हम पढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप दुख ही पाए, कहाँ पत्थर के ऊपर सोते थे, घास की रोटियां खाते थे, है ना, जिंदगी में इन्होंने सुख नहीं प्राप्त किया, यानी दुख पाए, खुद दुख पाए, अपनी पत्नी को दुख दिया। क्या नाम था पत्नी का, अजबदे, अजबदे पंवार नाम था पत्नी का, पुत्र का नाम था अमर सिंह। पत्नी पुत्र दोनों को साथ लेकर जंगल जंगल भटका करते थे। क्या महाराणा प्रताप को ऐसा करना चाहिए, क्या उनको मुगलों की अधीनता स्वीकार करके आराम से महलों में सोना नहीं चाहिए था क्या? अगर आप और मैं होते तो शायद सो जाते, या आज का अगर कोई व्यक्ति होता, नेता जैसे लोग होते, तो वो तो यही करते कि कोई बात नहीं, मौज करेंगे, क्या करना है आजादी का। लेकिन महाराणा प्रताप को ये मंजूर नहीं था, उनका ये मानना था कि चाहे एक दिन भी जिए लेकिन आजादी की सांस जिएंगे, मर सकते हैं लेकिन किसी के गुलाम नहीं बन सकते, और इसीलिए इन्होंने जो है वो अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। अकबर ने इनको इतना तक कह दिया कि आपको ना ही तो मुगलों के दरबार में आना है, यानी आपको मेरे दरबार में आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से शासन चलाना, आप बस अधीनता स्वीकार कर लो, कह दो कि हम मुगलों के अधीन हैं, बस और कुछ नहीं करेंगे, हम आपके मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ये स्वीकार नहीं करते हैं और पूरा जीवन संघर्ष करते हैं। आज इसीलिए आप देखोगे बाकी जो शासक है ना, उनमें सबके राणा लगता है, लेकिन महाराणा कुंभा के लगता है, महाराणा संग्राम सिंह के लगता है, और महाराणा प्रताप के महाराणा लगता है, क्योंकि इन्होंने काम महान किए थे। और याद रखना, अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी लिखते हैं तो जोर आता है, तो जहां आराम होगा वहां पर सफलता नहीं होती है, जहां पर जोर आएगा ना वहीं पर सफलता मिलेगी, ये भी बात हमेशा आप जो है वो याद रखना। आज जो है ना ये सेशन इतना ही करेंगे, ठीक है, कल पूरा मैं पहले से लिखे लेके आऊंगा, थोड़े से शासक बचे हैं महाराणा प्रताप के बाद, और उनको पढ़ेंगे हम। महाराणा प्रताप के बाद महत्वपूर्ण शासकों में एक तो अमर सिंह है, और एक आपके महत्वपूर्ण जो शासक है वो है कौन बताओ, राज सिंह, महाराणा राज सिंह, इनको पढ़ेंगे, और बाकी जो छोटे शासक हैं उनको भी हम जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अपन 12 बजे मिलेंगे, जहां हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत लिखना पड़ता है, अरे इतना तो लिखना ही नहीं पड़ रहा है। मुझे याद है मैं 2013 में गया था, हम सीकर गए थे कोचिंग करने के लिए, सीकर में एक कोचिंग है आज भी है, श्री राम कोचिंग, है ना, श्री राम कोचिंग है, सुभाष जी मिल के द्वारा वो कोचिंग चलाई जाती थी उस टाइम, सीकर में टॉप कोचिंग थी 2012-13 के अंदर, जब मैं तैयारी करता था। अभी भी हालांकि तैयारी करते ही हैं, लेकिन अब वैसे वाली तैयारी नहीं करते, पढ़ते हैं अब बस, है ना, ताकि पढ़ते, एक शिक्षक को हमेशा पढ़ता रहना चाहिए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की पूरी शिद्दत से तैयारी करते थे हम 2012-13 में। तो 13 में मैं गया था, तो आज तो आपको नोट्स मिल जाते हैं, हम तो वहां पर
हमारी कोचिंग का टाइम था सुबह 8 बजे से लेकर और शाम को लगभग लगभग जो है 5 बजे तक कोचिंग चलती थी। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, विज्ञान, ये सारे विषय, हिंदी वगैरह, सबको हमें हाथ से लिखना पड़ता था। हम 4-5 मोटे मोटे रजिस्टर लेके जाते थे और 2-3 पेन हमेशा अपने पास रखते थे और एक एक चीज वहां पर लिखाई जाती थी। तो लिखना बहुत जरूरी है और लिखने से क्या होता है कि दिमाग में सेट हो जाता है मामला। 3 ही तो क्लास है, 3 क्लासों के क्या हो जाते हैं, 3 क्लासों में से केवल 1 या 2 क्लासों में लिखना पड़ता है, बाकी में तो सारे नोट्स होते ही हैं। और फिर हमारा काम पढ़ना है ना, हमारा तो काम ही पढ़ना है, हमारा तो काम ही पढ़ना है, तो फिर दिक्कत ही क्या है। जब अपना काम ही पढ़ना है तो फिर कोई मुझे नहीं लगता दिक्कत हो, फिर भी कोई बात नहीं है, दिक्कत हो रही है तो आप कोई और जो है वो तरीका अपना लो, अपने घर पे अपने भाई बहनों से लिखवा दिया करो छोटों से, है ना, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा आपका होने की जगह। तो अभी के लिए बस इतना ही, 12 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।